यार ये फजलू के जितने भी बंदे उनसे कहती हूँ कब कैस करोगे, मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर कैस करोगे फायदा नहीं होगा, कहोगे पाकिस्तान से भाग गई है डर गई है तो अभी करें ताकि मैं इन चीजों को फेस कर सकूँ, तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली, एक एक बात सच है। यार थाईलैंड वो क्यों गए थे कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीच, तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ अय्याशी के लिए लोग जाते हैं। हाँ नहीं नहीं वो थाईलैंड मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो उनको चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आ जाता हूँ टाइम। यार ये फजलू के जितने भी बंदे उनसे कहती हूँ कब कैस करोगे, मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर कैस करोगे फायदा नहीं होगा, कहोगे पाकिस्तान से भाग गई है डर गई है तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ, तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली, एक एक बात सच है। यार थाईलैंड वो क्यों गए थे कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीच, तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ अय्याशी के लिए लोग जाते हैं। हाँ नहीं नहीं वो थाईलैंड मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो उनको चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आ जाता हूँ टाइम।